हेलो लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन इज द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फाउंडर इफेक्ट को लीड करते हैं और फाउंडर इफेक्ट को लाते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है सबसे पहले जेनेटिक वी कॉम्बिनेशन सेकेंड म्यूटेशन तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फोर्थ वन एज नेचुरल सिलेक्शन तो यहाँ जो के कॉन्सेप्ट होगा वो होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर फाउंडर इफेक्ट तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाउंडर इफेक्ट क्या है फाउंडर इफेक्ट क्या होता है जब एक स्मॉल पॉपुलेशन अगर पेरेंट पॉपुलेशन से ड्रिफ्ट हो जाती है बाय चांस किसी भी रीजन से तो वो क्या कर लेती है नई पॉपुलेशन बन जाती है तो पेरेंट पॉपुलेशन से बाय चांस ड्रिफ्ट हो गई स्मॉल पॉपुलेशन में और उसने क्या कर लिया एक न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर लिया तो उसे ही हम क्या बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे और ये इसमें क्या होता है फ्रिक्वेंसी चेंज होती है कंपेयर टू तो देयर पेरेंट पॉपुलेशन और वो क्या करती है नई पॉपुलेशन बना देती है विद न्यू जीनो तो यहाँ पे क्या होगा कि एक, एक पॉपुलेशन है पेरेंट पॉपुलेशन इस में जिसके अंदर कुछ स्पीशीज रिसाइड करती हैं अब क्या हुआ बाय चांस ये पॉपुलेशन है माइग्रेट कर गई और यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ कुछ उसके साथ में चले गए कुछ पॉपुलेशन और फिर उसने क्या करा फिर उसके बाद पॉपुलेशन पौ आफ्टर कपल ऑफ जनरेशन तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ देखिए ये यह पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो फाउंडर पॉपुलेशन बना लेगी फाउंडर क्या करेगी फाउंडर पॉपुलेशन बन जाएगी फॉर आफ्टर फ्यू मोर जनरेशन और यहां पे क्या हो पॉपुलेशन आफ्टर कपल ऑफ जनरेशन और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जेनेट फाउंडर इफेक्ट है वो क्या है जेनेटिक गिफ्ट का रिजल्ट है फाउंडर इफेक्ट रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ट्रेस मैम यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि कौन से फैक्टर फाउंडर इफेक्ट को लाते हैं तो सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में डीएनए एन एक्स फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है और उससे वेरिएशन आता है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड वन इज म्यूटेशन म्यूटेशन में क्या होता है डीएनए में चेंजेस आते हैं डीएनए एन सीक्वेंस में जिससे डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आता है और तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट करेक्ट है क्योंकि यहीं पे क्या होता है फ्रिक्वेंसी बाई चांस स्मॉल पॉपुलेशन में होता है ये बाई चांस स्मॉल पॉपुलेशन में Uh, नई पॉपुलेशन को फॉर्मेशन करेगा ये लास्ट वन इज़ नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म uh, जो ज़्यादा फिट होता है वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है और ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाता है और अडेप्ट कर पाता है सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक